नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं मैजिक्स क्लास। तो क्लास टेंथ का मेरे पास प्रोजेक्ट मिला तो मैंने लगा कि अपलोड कर देता हूँ जिससे बाकी बच्चों को इसको हेल्प हो सके। नेम तन्नु कुमारी, क्लास टेंथ, ई रोल नंबर 27, प्रोजेक्ट सोशल स्टडी, टॉपिक उपभोक्ता, परियोजना जागरूकता। ठीक है, इसके ऊपर अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस बच्चे ने बताया है। ठीक है, ये रहा है आपका। ठीक है, ये आपका कवर है। पहला पैच इंडेक्स इस प्रकार से बना रखा है। ठीक है, तो अगर आप उपभोक्ता परियोजना जागरूकता के बारे में कुछ टॉपिक बनाना चाहते हो तो इस प्रकार से है। ठीक है, देखो यहाँ पे, देखो उपभोक्ता के बारे में यहाँ पे दुकानदार की फोटो लगा रखी है। उपभोक्ता अधिकार क्या है यहाँ पे, ठीक है, उपभोक्ता अधिकार के बारे में क्या लिखा है ये भी आप देख सकते हैं। पेज पलटते हैं, अब यहाँ देखो इन्होंने कितने अच्छा हुआ कि जचा रखा है, मतलब फोटो लगा रखा है ताकि प्रोजेक्ट अगर वो चेक हो तो लगे कि नहीं, अच्छा काम कर रखा है। उपभोक्ता कौन है, ठीक है, जैसे कि उपभोक्ता के बारे में हमें पता होना चाहिए, हम खुद होते हैं उपभोक्ता। ठीक है, तो ये रहा इस प्रकार से। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि अगर आपको उपभोक्ता के बारे में अगर कुछ टॉपिक बनाना तो कैसे, लोगों को उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता किस प्रकार से है, जैसे आपको पता है कि आजकल कुछ बोल कुछ थमा दिया जाता है तो हमें लेबल भी चेक करना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। दुकान मॉल का यहाँ पे फोटो चिपका रखा है यहाँ पे। ठीक है, और प्रथम उपभोक्ता आंदोलन कहाँ और कब प्रारंभ हुआ ये भी बहुत जरूरी है। 1960 के दशक में ही चल रहा है, आज भी हमें सतर्क होना चाहिए ताकि हम कुछ भी चीज लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए क्यों और कैसे किस लिए ले रहे हैं ये। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्टार्ट हुआ था, तो वैसे तो आज तो हर जगह फैल चुका है। ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 संसद के दोनों सदन द्वारा पारित किया गया, ये मतलब कि कांग्रेस के टाइम पे भी ये सब काम हो रहा था। ठीक है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यहाँ पे डंडा बना दिया गया है हथौड़े के साथ। ठीक है, कोपरा को परिभाषित करें, कोपरा, ठीक है, यहाँ पे कोपरा के बारे में लिखा गया। अब इसके बारे में कुछ इनको फोटो मिली नहीं तो लगाते क्या। ठीक है, तो ये रहा कोपरा के बारे में। आगे चलते हैं आपका, उपभोक्ता के प्रत्येक खरीदारी के बाद बिल लगाना क्यों आवश्यक है, ये सबसे अच्छा मुझे ये लगा। देखो इन्होंने कितना अच्छा बिल लगा रखा है, चाहे कैसा भी हो बिल लगा रखा है। मोनू कुमार करके रोल नंबर कह रहा हूँ, फोन नंबर है यहाँ पे, कौन सी चीज नहीं है। तो बिल, आज भी हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं तो बिल नहीं लेते, गलत बात है, हमें बिल लेनी चाहिए। ठीक है, और उपभोक्ता के प्रत्येक खरीदारी के बाद दिए, इसके अंदर क्या लिखना है आप इस प्रकार से नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, और बाजार के लोगों का शोषण किया जाता है। ठीक है, शोषण तो होता ही है, दिखाते कुछ है बेचते कुछ है आपका। ठीक है, इस प्रकार से अंदर क्या लिखना गया है ये है, और दुकानदार की फिर फोटो लगा दी गई है। ठीक है, शोषण क्यों करते हैं आप देखिए, यहाँ पे देखोगे जो हलवाई होता है एक गत्ते का वेट मिठाई के वेट के बराबर बेचता है। अगर ये 10 रुपए किलो इसका गत्ता अगर पड़ता होगा तो ये 100-100 रुपए किलो के हिसाब से मिठाई का गत्ता ये बेचा जाता है, क्योंकि हम कभी इस बारे में टोकते ही नहीं है। उपभोक्ता आंदोलन लाने वाले मुख्य कारक के लिए कहाँ। ठीक है, तो इसके अंदर ये टॉपिक लिखना है आपका, और ये हो जाता है समाप्त। तो इस प्रकार से ये आपका जो फाइल है यहाँ समाप्त हो जाती है। अगर आप क्लास टेंथ में पढ़ते हैं और प्रोजेक्ट है आपका सोशल स्टडी के ऊपर और जो टॉपिक हो उपभोक्ता परियोजना जागरूकता, इसके ऊपर अगर आपको बनाना है प्रोजेक्ट तो आप इस फाइल की मदद ले सकते हैं। आप एक आइडिया जनरेट कर सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से लिखना है, कैसे बनाना है, क्योंकि कई प्यारे बच्चे होते हैं टेंथ क्लास में, उन्हें तो समझ तो आ जाता है लेकिन कैसे लिखें क्या स्टार्ट करें नहीं आता, तो इसलिए मेरे को लगा कि ये चीज भी आपको बता देनी चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि कौन सी चीज कैसे बनाए। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी। मैं इस क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।